Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बाजार समझ में नहीं आता है, बाजार के उतार चढ़ाव से डर लगता है, तो क्या करें? ऐसे में सबसे तगड़ी सलाह है म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में ही कुछ उल्टा सीधा होने लगे तो क्या होगा? ऐसा पहले भी हुआ है, किसी स्कीम पर आरोप लगा, किसी स्कीम के मैनेजर्स पर आरोप लगा, लेकिन अभी एक के बाद एक अनेक घटनाएं हो गई हैं, इसलिए लोग थोड़े परेशान और चिंतित हो गए हैं। पहले क्या हुआ है कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड, जिस दिन बाजार गिरा था उस दिन जिन लोगों ने सोचा कि आज बाजार जबरदस्त गिरा हुआ है, एग्जिट पोल के दिन, आपको याद होगा एग्जिट पोल के बाद, तो नतीजों के बाद एक्चुअली, तो उस समय जब लोगों को लगा कि बाजार गिरा हुआ है, इस वक्त कमाई कर लें, सस्ते में मिल रहा है, तो जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन लगाई, उनमें से बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि उनको यूनिट मिली नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा या तो म्यूचुअल फंड के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाया, या म्यूचुअल फंड ने उन यूनिट्स को खरीदने के लिए जो पैसा मार्केट में डाला वो पैसा जगह पे नहीं पहुंचा, जिस वजह से यूनिट्स अलॉट नहीं हुई। उस किस्से को अभी पार लगने में वक्त है, लेकिन नए किस्से आ गए हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों में भारत का सबसे, कह सकते हैं, स्टार फंड रहा है कि बड़ा जबरदस्त रिटर्न देता है। जहां जहां आपको रिटर्न्स की लिस्ट मिलती है वहां आता है क्वांट की स्कीम बड़ा जबरदस्त रिटर्न दे रही है। अब खबर यह है कि क्वांट म्यूचुअल फंड पर सेबी जांच कर रही है, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन यानी कि छापा मारने की कार्रवाई सेबी की तरफ से। कारण फ्रंट रनिंग कि इसके अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा है कि जो शेयर बेचे जाने हैं फंड की तरफ से पहले खबर होकर, कोई प्राइवेट पार्टी बाहर वो खबर लीक हुई और वहां से वो बेच रही है, या जो खरीदे जाने हैं वो फंड से पहले वो खरीद रहे हैं। तो ये आरोप हैं, इन आरोपों की जांच हो रही है। डिटेल्स नहीं है क्योंकि जब तक सेबी कोई एक्शन नहीं लेती है वो डिटेल देगी नहीं। फंड ने इस बात की तस्दीक की है जो उनसे जिन लोगों ने कम्युनिकेशन किया कि हाँ सेबी का एक्शन हुआ है, लेकिन क्या एक्शन है, क्या एक्शन उनके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं, कौन सी स्कीम के सब्सक्राइबर्स खतरे में हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और इसलिए ये थोड़ा उहापोह का मामला है। एक दूसरा मामला है ग्रो। ग्रो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो चुका है, और उसका एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जहां से वो आप म्यूचुअल फंड खरीद बेच सकते हैं। एक इन्वेस्टर ने शिकायत की और यह सोशल मीडिया पर शिकायत की कि मैंने ग्रो को पैसा दिया एक यूनिट, एक खास म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने के लिए, मेरे अकाउंट में वो यूनिट रिफ्लेक्ट होने लगी, मुझे एक फोलियो नंबर दिखाई देने लगा, इसके बाद पता चला कि मेरे पास यूनिट आई नहीं है। मूल रूप से उनकी तरफ से शिकायत थी कि मेरे खाते से पैसे भी कट गए और मुझे यूनिट भी नहीं मिली। इस पर भी ऑनलाइन काफी लेन देन हुआ है, आरोप प्रत्यारोप चले इधर उधर से, लेकिन फिर ग्रो की तरफ से सफाई आई कि आपके खाते से हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया है। उन साहब का जिनका पहले कहना था कि हमारे खाते से पैसा भी निकला है और मुझे वो फोलियो नंबर भी दिखाई दिया है, इसलिए यहां गड़बड़ी की आशंका लगी। लेकिन बाद में ग्रो की तरफ से सफाई दी गई कि उस ग्राहक के खाते से कोई पैसा म्यूचुअल फंड के पास नहीं आया था, यानी म्यूचुअल फंड पर यह लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो कुछ खरीद के दे, लेकिन गुडविल जेस्चर के तौर पे इन्होंने जो शिकायत की रकम बताई गई है उतनी रकम उस ग्राहक के खाते में डाल दी है। कह रहे हैं हमने ली नहीं थी लेकिन डाल दी है। साथ में उनका कहना है कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ब्रीफली, यानी बहुत जरा सी देर के लिए, उनके जो डैशबोर्ड होता है उनका म्यूचुअल फंड का, उसमें वो फोलियो रिफ्लेक्ट हुआ था। यानी कि जब कस्टमर कह रहा है कि मुझे दिखाई पड़ा था फोलियो, वो बात, उस बात से ग्रो इनकार नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट हुआ था, उसके बाद वो हट गया क्योंकि पैसा आया नहीं था, इसलिए आपको देने का सवाल नहीं उठता, लेकिन हमने भल मनसाहत में ग्राहक को परेशानी ना हो ये देखकर पैसा उनके खाते में वापस डाल दिया है, और ये हमारे और ग्राहक के बीच का मामला है, सुलट गया, अब इसमें आप मत पड़िए। मतलब कि किसी थर्ड पार्टी के लिए अब इसमें करने को कुछ नहीं रह गया है। लेकिन यहां सवाल है कि उसको ब्रीफली दिखाई पड़ा का क्या अर्थ है? एक एक्सप्लेनेशन इस बाजार के जानने वाले लोग निकाल रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि जब आप ऑर्डर देते थे तो म्यूचुअल फंड आपके नाम यूनिट अलॉट कर देता था और आपका पैसा उसके पास जाता रहता था, कभी पहले मिल जाती थी यूनिट, कभी बाद में मिलती थी।
लेकिन फिर सेबी ने नियम बनाया कि जब आपका पैसा म्यूचुअल फंड के खाते में पहुंच जाएगा, यानी बैंक से ट्रांसफर हो चुका होगा, तभी आपको यूनिट अलॉट होंगी। और इसके साथ कट ऑफ टाइम बने हैं अलग अलग तरह की, यह सौदा इतने बजे तक, यह सौदा इतने बजे तक होगा, तभी उसको सौदा माना जाएगा। लेकिन क्या किसी ने मैनुअली, उनके ऑफिस में बैठे किसी आदमी ने मैनुअली ये मान लिया कि इन्होंने ऑर्डर दिया है, इनका पैसा भी आ रहा होगा ट्रांसफर हो गया, और वो पैसा जब आ जाएगा तो खाते में आ जाएगा, इस वक्त इनको यूनिट अलॉट कर दी जाए। लेकिन वो पैसा आया नहीं। अब वो पैसा संयोग से नहीं आया, वो पैसा उन्होंने डाला नहीं था, उनका चेक बाउंस हो गया, या उनका ऑनलाइन ट्रांसफर ग्लिच में फंस गया और वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पाए। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, कुछ देर बाद पहले वो डेबिट दिखाता है, कुछ देर बाद वो वापस आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है कि ये पैसा गया नहीं, तो वहां पहुंचा नहीं। लेकिन अगर ऐसा भी है तो ऐसी सूरत में फंड को कायदे से ये ट्रांसफर दिखाना चाहिए था कि ये यूनिट अलॉट हुई, पैसा नहीं आया, यूनिट वापस हो गई, तो प्लस माइनस का खाता वहां साफ होता, तो ये शिकायत की नौबत नहीं आती। तो थोड़ा मामला ट्रांसपेरेंसी का है, और इससे बड़ा मामला यह है कि इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो उससे बाजार में भरोसे की कमी हो जाती है। तमाम इसी एक छोटे से उदाहरण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अचानक शंका पैदा हो गई कि ये जो इतने सालों से म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है सुन रहे थे, वो बात सही भी है या नहीं। बिजडा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।